हाय मैं हूं शिवाली गिदरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज क्लियर आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं वो चीजें जिसके कारण अक्सर हमें जीएसटी में नोटिस आ जाता है और कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिसके बाद कंफर्म ही है कि आपको नोटिस आएगा ही आएगा अच्छी बात क्या है कि ये सब सिंपल सिंपल से प्रिकॉशंस हैं जिससे आप अपने आप को नोटिस से बचा सकते हो एक बार नोटिस आने का मतलब ये है कि आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़ेंगी आपको रिप्लाई देना पड़ेगा फिर डिमांड निकल सकती है डिमांड निकलने के बाद में आप या तो उसको पे करोगे अगर आप पे नहीं करते हो और उसके बाद आप उसके अगेंस्ट लिटिगेशन में जाते हो तो खुद लिटिगेशन की इतनी लंबी प्रोसीजर होती है और इतनी ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है कि कोई भी एक्चुअली लिटिगेशन में जाना नहीं चाहता तो यहाँ पे मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मुसीबत आने से पहले आपको बचाना और लिटिगेशन में हम लोगों को जितना ना जाना पड़े उतना ज़्यादा अच्छा है बट उसके बाद भी खैर कुछ हो जाए तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन फिर भी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड चले और अपना टाइम और अपने रिसोर्सेज अपने बिज़नेस पे स्पेंड करें ना कि फ़ालतू के लिटिगेशन पे तो सबसे पहली चीज़ जिसके कारण आपको नोटिस आ सकता है जी में और जिसको कि आप बहुत सिंपल तरीके से बच सकते हो वो है आपकी रिटर्न फाइल नहीं करना ध्यान रखिए जी पोर्टल और सी दोनों ही चाहते हैं कि आप टाइमली रिटर्न फाइल करो अगर आप टाइम से अपनी रिटर्न फाइल ना करो तो वैसे तो आजकल वो लोग एस भी भेजते हैं लेकिन एस की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कई बार जिन लोगों ने रिटर्न फाइल कर रखा है एस एस बल्क में उनको भी चले जाते हैं या जिन्होंने फाइल नहीं कर रखा हो सकता है उनके भी मिस हो जाते हो तो आपको अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है नोटिस भेज के वो पहले आपको यही बोलेंगे कि आप रिटर्न फाइल करो अगर उसके बाद ही आप रिस्पॉन्ड नहीं करते तो वो अपनी साइड से आपका जो डेटा है इधर उधर के सोर्सेज से करके आपका असेसमेंट भी कर सकते हैं बट उसके बाद भी उनका जो पर्पज़ है वो यही है कि आप अपनी एक रिटर्न फाइल करो क्योंकि रिटर्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रिटर्न आपका सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ डिक्लेरेशन है कि आप खुद बता रहे हो कि मेरी डिक्लेरेशन कितनी है तो पोर्टल और रिवेन्यू हमारा यानी कि सी सी वो दोनों ही इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं तो आपको अगर सबसे पहले बचना है किसी भी तरह की मुसीबत से जीएसटी में तो अपनी रिटर्न बिल्कुल टाइम पे फाइल करें देन सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अब लॉ के अंदर भी इनकॉर्पोरेट हो गई है वो ये कि अगर आप जी एस फाइल करते हो और जी एस में जितनी आपने सेल्स दिखाई है उस पर जितना टैक्स बनता है उतना टैक्स आप थ्री भी फाइल करने के टाइम पर पे, पे नहीं करते तो डिपार्टमेंट उसको आपका सेल्फ असस्ड टैक्स मान लेगा और उस सेल्फ असेस टैक्स की आपसे रिकवरी की जाएगी सेक्शन 75 में इसका रेलीमेंट चेंज हो चुका है तो अब अगर आप जी एस वन फाइल करते हो तो आपको अपनी थ्री बी उससे रिकनसाइल करके ही फाइल करनी है मैं आपको बल्कि उल्टा बोलूँगी कि आप जी एस थ्री बी का डाटा पहले प्रिपेयर कर लो और उसमें देखो कि मेरी कितनी टैक्स लाइबिलिटी बन दी है तो जी एस वन फाइल करने में उन्हीं सारे इन्वॉइसिस की डिटेल आपकी थ्रू होगी जो आप जी एस में पे करने वाले हैं अगर आपके पेमेंट में और आपने जो खुद डिक्लेयर किया तो मुझे उसको ऐसे समझना है कि जी एस टी एवन फाइल करते हुए जो मैंने डिक्लेयर किया वो आपकी लाइबिलिटी डिक्लेयर हो चुकी है थ्री भी फाइल करने के टाइम पे आप बस उसको कंसोलिडेट फिगर रख के आपको उसको पे करना है तो दोनों रिटर्न में आपके डिफरेंस नहीं होना चाहिए अगर आपके दोनों रिटर्न के बीच में डिफरेंस होगा तो उसके लिए डिपार्टमेंट आपसे रिकवरी करेगा पहले इसको लेके थोड़ा असमंजस था कि क्या डायरेक्ट रिकवरी हो जाएगी लेकिन उन्होंने क्लैरिफाई किया कि डायरेक्ट रिकवरी नहीं होगी पहले आपको बाकायदा नोटिस भेजा जाएगा उसके बाद आपसे रिकवरी की जाएगी और अगर आपकी जर्मन मिस्टेक है तो उसको ठीक भी कर सकते हैं लेकिन अगेन अब ठीक कैसे करोगे नोटिस का रिप्लाई तो बनाओगे ना अब या तो खुद बनाओगे या फिर किसी से बनवाओगे तो एडिशनल एफर्ट और एडिशनल कॉस्ट परपज़ ये है कि उन दोनों को हमें बचाना है तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब हम लोग जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं वो हम लोग कई बार बहुत ही रिलेक्टेंटली लेते हैं कहीं भी किसी भी तरीके से ले लिया कुछ इंपॉर्टेंट क्रेडिट था जो छोड़ दिया तो उसको एक उन्होंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है तो पोर्टल अब क्या करता है जो आपका क्रेडिट है उसको ऑटो पॉपुलेट करता है आप टू बी को बेस बना सकते हैं ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है सारे यूजर्स का कि हम टू ए को बेस बनाएं या टू बी को आप मंथली मंथली अगर ठीक ठाक रिटर्न फाइल कर रहे हैं या क्वार्टरली भी कर रहे हैं तो आप टू को बेस बना सकते हैं पर ध्यान रखिए टू कि फिगर हम एज इट इज नहीं ले सकते टू बी के अंदर भी मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे कुछ उसके अंदर अमेंडमेंट्स करके एक रिकनसाइल करके एक फिगर लानी पड़ेगी जो मेरी एक्चुअल में एलिजिबल क्रेडिट है वो फिगर मेरी क्या होगी देखो टू बी के अंदर आपके पोस्ट सारे इन्वॉइस आए हैं जो इस महीने में आपके नाम पर अपलोड किए हैं डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर्स ने वो इस महीने के भी हो सकते हैं और पिछले किसी महीने के भी हो सकते हैं अब आपको ये देखना है कि आपने अगर पिछले किसी महीने का कोई क्रेडिट छोड़ दिया था वो टू बी में आया था तब भी आपने छोड़ दिया था क्योंकि और कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी तो आप इस बार का टू बी का क्रेडिट लेंगे उसमें सेवनटीन तो फाइव वाला क्रेडिट लेस कर देंगे उसके अंदर से अगर और कोई आपका इनवैलिड क्रेडिट है सेवेंटीन फाइव के अलावा मान लीजिए आपको कोई सेवेंटीन वन वाला क्रेडिट है यानी कि आपने कुछ पर्सनल यूज़ के लिए लिया था बट क्रेडिट आपका फिर भी आ गया रिफ्लेक्ट हो गया आपके इनवॉइस पे चढ़ गया तो उसको आप उसमें से रिड्यूस कर देंगे और आपका पुराना अगर कोई आई बचा हुआ था तो उसको आप ऐड कर देंगे वो फिगर आप ले सकते हो लेकिन फिर भी अगर फिगर के अंदर डिफ्रेंस आता है तो आपको नोटिस आ सकता है और आपसे डिपार्टमेंट पूछ सकता है कि भाई तुम्हारा जितना टू के अंदर आ रहा था तुमने थ्री में उससे ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों ले लिया ये आपका एक रीज़न बन सकता है नोटिस आने का देन नेक्स्ट इसके अलावा जो अगली चीज़ है वो है कि जब हम एनुअल रिटर्न भरते हैं एनुअल रिटर्न भरने के टाइम पे हमारा जो रिटर्न्स का डाटा है वो ऑटो पॉपुलेट होता है हम सब जानते हैं कि सारा जी एस वन का जो हमने इधर उधर डेटा फिल किया होता है वो सारा ऑटो पॉपुलेट होता है कुछ जगह थ्री बी का तो वहाँ पे वैसे तो मैं कम या ज़्यादा फिगर के साथ भी अपनी रिटर्न फाइल करती हूँ लेकिन आपने भी देखा होगा कि जब हम लोग उसको बहुत कम करते हैं अपनी जो लाइबिलिटी की डिक्लेरेशन है उसको कम करते हैं तो एक रेड मार्क आ जाता है जैसे एक परसेंटेज वाइज वो उससे ऊपर नीचे होता है तो एक रेड उसको इंडिकेशन दिखाने लगता है ये रेड इंडिकेशन अक्सर रिपोर्ट किया जाता है ऑफिसर्स को उसके बाद वो उसको स्टडी करेंगे और हो सकता है आपको नोटिस नहीं आए लेकिन अगर उनको कोई डिस्क्रिपेंसी दिखाई देती है तो उसके कारण भी आपको नोटिस आ सकता है अब मुझे करना है क्या है मुझे करना ये है कि अपनी मंथली रिटर्न को ठीक से फाइल करना है और अगर कोई गलती हो गई है तो आने वाले रिटर्न में उसको ठीक कर लो एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले ही एनुअल रिटर्न फाइल करने के टाइम पे फिर जब आप उसको दिखाओगे तो फिर उस वक्त अगर आपका गैप आया मंथली रिटर्न जो आपने फाइल किया और जो एनुअल रिटर्न फाइल की है तो वहाँ पे आपको लाइब्रेटी आ सकती है आपको नोटिस उसके लिए आ सकता है वैसे उससे समझदारी की चीज़ ये है कि एनुअल रिटर्न फाइल करने के टाइम पे अगर आपको दिख रहा है कि कुछ मेरा थ्री में डिक्लेयर करने से रह गया और आप अब उसको एनुअल रिटर्न में डिक्लेयर कर रहे हैं तो आप तभी डी आर फाइल करके उसका जो टैक्स है उसको डिपॉजिट कर सकते हैं तो अगर और विद इंटरेस्ट ध्यान रखिएगा वो टैक्स में विद इंटरेस्ट फाइल करना होगा देन जो नेक्स्ट है वो लिस्ट में थोड़ा रिटर्न से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बट येस yes, ये रिलेटेड है हमारे ट्रक्स की डिटेंशन से हमारा जो गुड्स जा रहे होते हैं उनकी डिटेंशन से ई वे बिल प्रॉपर्ली बनाना जब भी आपकी पचास हज़ार से ज़्यादा वैल्यू की गुड्स ट्रैवल कर रही है रोड पे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा उनका एक ई e वे बिल प्रिपेयर करना है ई वे बिल हर रिस्पेक्ट में कंप्लीट होना चाहिए यानी कि उस पर इन की डिटेल अच्छे से पड़ी होनी चाहिए जो भी उसके अंदर और रिक्वायरमेंट है यानी कि आपको पता है ई वे बिल पोर्टल है उस पर अलग अलग टैब्स बने हैं आपके गुड्स सप्लाई की वजह से मूव कर रहे हैं बिना सप्लाई की वजह से मूव कर रहे हैं तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ अगर आपके गुड्स सप्लाई नहीं है मतलब आप सेल नहीं कर रहे हो सिंपल लैंग्वेज में लेकिन किसी और कारण से आप कोई गुड्स रेंट पे दे रहे हो या कोई गुड्स आप एक स्टेट में अपनी ब्रांच से दूसरी स्टेट की ब्रांच को भी शिफ्ट कर रहे हो ध्यान रखिए आपको बिल हर केस में बनाना है अगर आपका को कोई गुड्स जो है कोई वैसे ही लेके जा रहा है मतलब यूज़ करने के लिए लेके जा रहा है आपका एम्प्लॉई लेके जा रहा है आप एक जगह से दूसरी जगह अपना ऑफिस ट्रांसफर कर करो शिफ्टिंग कर रहे हो तो भी आपको उनका बिल बनाना मैंडेटरी है तो यानी कि ये नहीं है कि बिल तभी बनेगा जब सप्लाई होगी अगर सप्लाई नहीं है तो भी आपको ई बिल बनाना है बस फर्क इतना है कि उसमें हम लोग इन्वाइस की जगह डिलीवरी चलान बनाते हैं और डिलीवरी चलान की डिटेल्स के बेसिस पे ही ई बिल बनाते हैं अगर ई वे बिल आपका नहीं बना हुआ है और डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे नहीं है तो जब आपके उस मूवमेंट में है उनको डिपार्टमेंट डिटेन डिटेन कर सकता है उन पर पे पे पेनल्टी लग सकती है उनको रोक के रखा जा सकता है और आपको उसमें भी लीगल प्रोसीडिंग्स में जाना पड़ सकता है वो हमें ध्यान रखना है देन नेक्स्ट और सबसे लास्ट जो बड़े एंटरप्राइजेस पे ही एप्लीकेबल होगी वो है ई इन्वाइसिंग अगर आप पे ई e इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं तो आपके जितने भी इन्वाइस हैं उनकी ई e इनवॉइसिंग करना आपके लिए मैंडेटरी है ध्यान रखिए इसमें सेल्फ इन्वाइसिंग वाले जो इन्वाइस हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे लेकिन बाकी सारे जो आपके इन हैं, उनको आपको ई e इन करना मैंडेटरी है अगर आप ई e वॉइसिंग नहीं करते तो आपका इन्वायस प्रॉपरली इशूड इन्वॉयस नहीं माना जाएगा और साथ में जो आपका बायर है उसका क्रेडिट भी उसने जो आई लिया है आपके इन्वायस के बेसिस पे वो भी इससे हैम्पर हो सकता है तो यानी कि वो भी फिर आगे से आपके साथ बिजनेस करने में कम्फर्टेबल फील नहीं करेंगे तो ये वो चीज़ें थी जो आपको नोटिस से बचा सकती हैं आई होप कि इसमें से अधिकतर चीज़ें तो हमारी मंथली रिटर्न है उससे रिलेटेड है क्वार्टरली या जो मंथली जो भी आपने ऑप्ट किया हुआ है तो वो अगर हम लोग ठीक से फाइल करेंगे अकाउंटिंग प्रॉपर करके यहाँ पे मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि रिटर्न्स को सीरियसली लें और उसको प्रॉपर डेटा के साथ जिस बंदे को पूरी नॉलेज हो उससे भरवाएं या फिर आप अगर अपने आप भी भर रहे हैं तो उसकी पूरी डिटेल नॉलेज लेके तब उसको आप फाइल करें तभी आप 90 परसेंट इशूज से जी में बच सकते हैं अदरवाइज आपकी मिस्टेक के कारण आप मतलब एक दस रुपये का टाइम या दस रुपये की लापरवाही आपको हज़ारों रुपये देने के लिए मजबूर कर सकती है वो पॉसिबल है जी के अंदर तो इसी के साथ ये वीडियो में क्लोज़ कर रही हूँ थैंक यू सो मच